प्रिय छात्रगणाः नमो नमः। अद्य वयं सप्तकक्षायां संस्कृत विषये सप्तदश पाठः महात्मा गांधी पठिष्यामः। महात्मा गांधी के बारे में पूरा विश्व जानता है, तो आइए बच्चों हम भी देखते हैं महात्मा गांधी के जीवन चरित्र के बारे में। इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं उनका जीवन। महात्मा गांधी एक महापुरुष आसीत। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। सः भारताय अजीवत, वे भारत के लिए जिए। भारताय एव च प्राणान अत्यजत, और भारत के लिए ही प्राण त्याग दिए। अस्य पूर्णं नाम मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। बच्चों आपको पता होगा कुछ क्षेत्रों में अपने नाम के पीछे पिताजी का नाम लगाते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी के नाम के पीछे में करमचंद गांधी शब्द आया है। तो देखिए बच्चों, मोहनदास महात्मा गांधी जी का नाम है और करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम है। अस्य जन्म नवषष्ठ्याधिकोत्तर अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीयायां तिथौ पोरबंदर नामने स्थाने अभवत्। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। तस्य पितुः नाम करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। मातुश्च पुतलीबाई आसीत, और माता का नाम पुतलीबाई था। तस्य पत्नी कस्तूरबा, उनकी पत्नी कस्तूरबा धार्मिका पतिव्रता नारी आसीत, धार्मिक और पतिव्रता नारी थी। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों। ख्रीष्टाब्दे, इसका अर्थ होता है ईस्वी सन में, अभवत हुआ। आइए बच्चों अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत महात्मा गांधी की प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बारे में देखते हैं। बाल्यकालादेव गांधी एक सरल बालक आसीत। यहाँ पे देखिए बाल्यकालादेव का शब्द विच्छेद करेंगे तो बाल्यकालात धन एव, अर्थ है बाल्यकाल से ही, बचपन से ही। गांधी एक सरल बालक आसीत, गांधी एक सरल बालक थे। सः सदा सत्यम वदति स्म, वे हमेशा सत्य बोलते थे। सः आचार्याणां प्रियः आसीत, वे आचार्यों के गुरुजनों के प्रिय थे। उच्च शिक्षायै सः आंग्लदेशम अगच्छत, उच्च शिक्षा के लिए वे आंग्लदेशम इंग्लैंड अगच्छत गए। विदेश गमन समये, विदेश जाते समय मातुः आज्ञायाः, माता की आज्ञा से सः संकल्पितवान, उसने संकल्प लिया यत् कि अहम् मद्यं न सेविष्ये, मैं मद्य का सेवन नहीं करूँगा। मांस स्पर्शम अपि ना करिष्यामि, मांस का स्पर्श भी नहीं करूँगा, अर्थात मांस को छूंगा तक नहीं। एवं सदा ब्रह्मचर्यम आचरिष्यामि, एवं हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। अब देखिए बच्चों इस पंक्ति में महात्मा गांधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भारत आकर के उन्होंने कौन सा कार्य किया। स्वदेशमागत्य सः देशस्य सेवायां संलग्नः अभवत्।
अपने देश स्वदेश आकर के देश की सेवा में शिक्षा पूर्ण करने के बाद स्वदेश लौटकर वे देश की सेवा में संलग्न अभवत संलग्न हो गए। अस्य ईश्वरे दृढ़ विश्वास आसीत, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, अटूट विश्वास था। सह आंग्ल शासक का नाम विरोधे, वे अंग्रेजी शासक के विरोध में सत्याग्रह आंदोलनम प्रावर्तयत, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत, उनकी श्रद्धा अहिंसा में थी। तस्य सर्वः समयः सर्वा शक्तिः सर्वं धनं च देशाय एवासीत, उनका पूरा समय सारी शक्ति सारा धन देश सेवा के लिए ही था, अर्थात तन मन धन से देश की सेवा की। अब इसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी की जीवन की उपलब्धि, उनका योगदान, देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा, हम इस पंक्ति के माध्यम से देखते हैं। सह देशभक्ता नाम नायक आसीत, वे देशभक्तों के नायक थे, ना कि अर्थात मुखिया थे। सह भारतस्य स्वातंत्रार्थम स्वतंत्रतायै आंदोलनम प्रारभत, वे भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किए। आंग्लियाः भारतं त्यजत इति तस्य घोषवाक्यम आसीत, आंग्लियाः भारतं त्यजत, अंग्रेजों भारत छोड़ो इति तस्य घोषवाक्यम आसीत, यह उनका नारा था। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्नैः भारतं स्वतंत्रतम अभवत, इस महापुरुष के प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ। आइए बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ देख लेते हैं। देशभक्तानाम, इसका अर्थ है देशभक्तों के। आंग्लियाः भारतं त्यजत, अंग्रेजों भारत छोड़ो। प्रावर्तयत चलाया। अहिंसायाम, अहिंसा में। अब आइए बच्चों, हम व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप देखते हैं। शब्द धातु पद लकार पुरुष वचन। अत्यजत त्यज धातु परस्मै पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अजीवत जीव धातु परस्मै पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभवत भू धातु परस्मै पद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए बच्चों, शब्द रूपम, शब्द मूल शब्द विभक्ति वचन, शब्द है प्राणान, मूल शब्द है प्राण, विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तिथौ मूल शब्द तिथि, विभक्ति सप्तमी एक वचन। नामनी नामन मूल शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब आइए बच्चों, अभ्यास कार्य के प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, महात्मा गांधीनः पूर्ण नाम किम अस्ति, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधीनः पूर्ण नाम मोहनदास कर्मचंद गांधी अस्ति। अगला प्रश्न है, तस्य मातुः नाम लिखतु, उत्तर होगा, तस्य मातुः नाम पुतलीबाई आसीत। तीसरा है, महात्मा गांधीनः जन्म
कस्मिन् स्थाने अभवत्। महात्मा गांधीनः जन्म पोरबंदर नामने स्थाने अभवत्। अब देखिए बच्चों, गृह कार्य के प्रश्न। गृह कार्य के बारे में आप किसी एक महापुरुष के बारे में 5 पंक्ति लिखिए और अपने शिक्षक को, माता पिता को दिखाइए। धन्यवाद बच्चों, नमो नमः।